हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस गुरु अकेडमी पर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घड़ी रीजनिंग में घड़ी के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं घड़ी सामान्यतः व्रताकार होती है जिसमें समय बताने हेतु सुइयां लगी होती हैं सुइयों का मार्ग वृत्ताकार होता है जो साठ बराबर खानों में बटा होता है जब मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करती है तो डायल पर बने सभी साठ खानों को पार कर जाती है इस दौरान घंटे वाली सुई पांच खाने पार करती है अतः हम कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से साठ मिनट में पचपन मिनट की सुई अधिक दूरी तय कर लेती है प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं अर्थात ओवरलैप करती हैं इस दौरान इनके बीच जीरो मिनट की दूरी और जीरो डिग्री का कोण बनता है जब दो सुइयाँ एक बार मिलती है तब उनके बीच जीरो डिग्री का कोण बनता है प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ एक बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं इस दौरान उनके बीच तीस डिग्री का कोण बनता है प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां दो बार समकोण बनाती है इस दौरान उनके बीच पंद्रह मिनट की सुई और नब्बे का कोण बनता है एक मिनट में छोटी सुई एक बटा दो डिग्री घूमती है एक डाइल इक्वल टू एक सर्कल इक्वल टू तीन सौ साठ डिग्री बारह घंटे इक्वल टू तीन सौ साठ डिग्री एक घंटे इक्वल टू तीस डिग्री तो साठ मिनट में कितना हुआ तीस डिग्री तो एक मिनट में कितना होगा डिग्री बटे सात कितना एक बटा दो डिग्री तो प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां दो बार समकोण बनाती है इस दौरान उनके बीच पंद्रह मिनट की दूरी और नब्बे का कोण बनता है और एक मिनट की छोटी सुई एक बटा दो डिग्री को घूमती है तथा एक मिनट की बड़ी सुई छह डिग्री घूमती है एक डाइल इक्वल टू एक सर्कल तीन सौ साठ डिग्री साठ मिनट से तीन सौ साठ को कितना हुआ एक मिनट इक्वल टू डिग्री क्वेश्चन है हमारा चार बजकर दस मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा एक घड़ी बना ली हमने क्या बताया कि चार बजकर दस मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे हमने घड़ी बना ली एक इसमें क्या एक यहाँ पर बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा पाँच बारह से एक के बीच पाँच आएगा और फिर उसके बाद एक से दो के बीच तक कितना हो जाएगा दस तो प्रश्न अनुसार हमारी जो सुई है चार बजकर दस मिनट पर है तो जो हमारी बड़ी सुई होगी वो कहां पर होगी दस पर और जो हमारी छोटी सुई है वो कहां पर होगी चार पर तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना बनेगा तो प्रश्न अनुसार हमने लिखा क्या चार बजकर दस मिनट जो टाइम था तो चार का कितना हुआ चार इंटू तीस डिग्री कितना हुआ 120 इसमें हम प्लस कर देंगे पांच तो कितना हुआ 125 और 10 को गुणा करेंगे छ साठ से 6 डिग्री से तो कितना हुआ दस छिकी साठ डिग्री तो चूंकि कोण कितना होगा अब 125 सौ पच्चीस माइनस साठ तो कितना हुआ पैंसठ हमारा इसका आंसर हुआ चूंकि एक घंटे में घंटे वाली सुई कितना होती है तीस डिग्री और चार घंटे हुए तो कितना हुआ तीन चौक बारह एक सौ बीस डिग्री चार बजे तक जो घंटे वाली सुई है वो कितनी चली एक सौ बीस डिग्री का कोण बनाती है और एक मिनट में मिनट वाली सुई कितना बनाएगी? एक बटा दो डिग्री का तब तो जब उसे हम क्या करेंगे दस बार में गुना करेंगे तो दस मिनट में कितना कोण बनाएगी तो कितना होगा उसका पांच डिग्री ऐसे हमने इसको सोलव किया ये हमारा उत्तर आया अगला क्वेश्चन है सात बजकर बीस मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा तो सात बजकर बीस मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा सात को गुना कर दिया तीस से कितना हुआ दो सौ दस प्लस किया दस तो दो सौ बीस और बीस को गुना किया छह से कितना हुआ एक सौ बीस डिग्री तो कोण कितना होगा दो सौ बीस अंतर एक सौ बीस तो कितने का अंतर हुआ सौ डिग्री अगला क्वेश्चन है दो बजकर 24 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा तो दो अनुपात चौबीस कितना हुआ दो बजकर चौबीस मिनट तो दो को गुना करेंगे तीस से साठ प्लस बारह कितना हुआ बहत्तर और चौबीस को गुना करेंगे साठ से तो कितना हुआ एक सौ चवालीस डिग्री अब इसका अंतर निकाल देंगे कितना होगा इसका अंतर बहत्तर एक सौ चवालीस इक्वल टू कितना हुआ बहत्तर डिग्री ये इसका आंसर है अगला है हमारा क्वेश्चन चार बजकर चालीस मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा चार बजकर चालीस मिनट पर क्या करेंगे चार को गुना करेंगे तीस से कितना हुआ चार ता बारह प्लस कर देंगे बीस कितना हुआ एक सौ चालीस उसके बाद चालीस को करेंगे छह से तो कितना हुआ दो सौ चालीस अब इसका अंतर निकाल लेंगे इसका अंतर कितना आएगा 100 100 डिग्री इसका उत्तर होगा अगला क्वेश्चन है दस बजकर दस मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा तो दस बजकर दस मिनट पर दस गुणा तीस और दस गुणा तो कितना हुआ तीन सौ पांच और साठ अब इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा दो सौ पैंतालीस तीन सौ साठ माइनस दो सौ पैंतालीस इक्वल टू एक सौ पंद्रह डिग्री एक सौ पंद्रह डिग्री का इसका कौन बनता है दस बजकर दस मिनट पर दोनों सुइयों के जो मध्य कोण बनता है दस डिग्री का एक सौ पंद्रह डिग्री का होता है यदि एंगल का मान एक सौ अस्सी से बड़ा हो तो तीन सौ साठ से घटाकर आंसर करते हैं मान लिया कोई कौन है उसका मान अगर एक सौ अस्सी से बड़ा होगा तो तीन सौ साठ में से उसको माइनस करके तब उसका उत्तर लेकर आते हैं जैसे हम इसको लेकर आए अगला क्वेश्चन है हमारा सात बजकर बीस मिनट पर यदि छोटी सुई दक्षिण दिशा में हो तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी डायग्राम बना लेंगे हम दक्षिण साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पूरा पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो क्या हुआ सात बजकर बीस मिनट पर यदि छोटी सुई दक्षिण दिशा में है छोटी सुई अगर दक्षिण दिशा की ओर है तो बड़ी सुई किस दिशा हो में होगी ये हमें ज्ञात करना है और टाइम कितना है सात बजकर बीस मिनट तो क्या करेंगे सात गुना तीस और बीस गुना छः कितना हुआ और इसमें दस प्लस करें हमने कितना हो गया दो सौ बीस और ये हुआ एक सौ बीस तो कौन इक्वल टू कितना आ गया दो सौ बीस अंतर एक सौ बीस इक्वल टू कितना हुआ सौ डिग्री का कौन आया तो यहां से सौ डिग्री का जो कोण होगा वो इस साइड बनेगा तो क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इसको नॉर्थ ईस्ट बोल लेंगे तो सात बीस पर यदि छोटी सुई दक्षिण दिशा में है तो बड़ी सुई की दिशा नॉर्थ ईस्ट होगी अगला क्वेश्चन है आठ बजकर पचास मिनट पर यदि मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में हो तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी आठ बजकर पचास मिनट पर तो आठ को गुना करेंगे तीस से कितना हुआ चौबीस और पच्चीस इसमें ऐड कर देंगे कितना हुआ दो सौ पैंसठ पचास को गुना किया 6 से तो कितना हुआ तीन सौ अब इसको माइनस करेंगे कौन आया कितना थर्टी फाइव डिग्री का तो अब दिशा क्या होगी चूंकि जो मिनट वाली सुई है वो पूर्व की दिशा में है मतलब ईस्ट की ओर है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी आठ बजकर पचास मिनट पर आठ कहां पर बजते हैं यहां पर तो उत्तर होगा इसका हमारा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की ओर होगी अगला क्वेश्चन है यदि दो बजकर छब्बीस मिनट पर मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में हो तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होती है या होगी क्या होगा इसका दो बजकर छब्बीस मिनट पर सुई उत्तर दिशा में है तो दो को गुना करेंगे तीस से छब्बीस को करेंगे छह से कितना हुआ तेहत्तर आया और इधर आया एक सौ छप्पन अब क्या करेंगे इसका अंतर निकालेंगे अंतर आया हमारा 83 तो दिशा अगर मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ तो उत्तर यहां है अगर मिनट वाली सुई इस दिशा में है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी दो बजे घंटे की सुई किधर होगी इस दिशा में तो हमारा उत्तर क्या होगा नॉर्थ एंड वेस्ट तीस डिग्री का